शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का आज रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे। उनकी नेट वर्थ 46,000 करोड़ रुपए थी। झुनझुनवाला के निधन के बाद राजनीति, सिनेमा और खेल जगत के तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हालांकि इस बीच उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ है। करीब 2.5 मिनट के वीडियो में वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, मगर जैसे ही बैकग्राउंड में संगीत बजा, मानो उनके अंदर किसी 21 वर्ष के युवक की आत्मा आ गई हो। झुनझुनवाला म्यूजिक बजते ही चहक उठते हैं। उनके चेहरे की खुशी देखने लायक है। हैरानी की बात यह है कि झुनझुनवाला म्यूजिक के एक एक नोट्स पर थिरकते हैं। इसमें जैसे ही गाने के पहले बोल मेरा चैन वैन सब उजड़ा सुनाई पड़ता है, दिग्गज बिजनेसमैन ऐसे गजब के डांसिंग स्टेप करके दिखाते हैं कि वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। करीब 2.5 मिनट के वीडियो में वो ऐसा डांस करते हैं कि एक पल के लिए नजर नहीं हटती। डांस का ये वीडियो देखने के बाद किसी का भी मुंह खुला रह जाएगा। व्हीलचेयर पर डांस करते हुए राकेश झुनझुनवाला का ये वीडियो संजय निरुपम ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। उन्होंने लिखा, राकेश झुनझुनवाला की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, वे डायलिसिस पे थे। उनका ये वीडियो मौत को बोना बता रहा है, बस जिंदगी जीने की जिद होनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।